तीनों को वो जिस रूप में देख रहे हैं, जिस ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया का 21वीं शताब्दी का, मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि आइडिया ऑफ इंडिया जो 1950 के समय का था, 60 के दशक का था, वो राहुल गांधी उस पर बात करें, बल्कि 21वीं शताब्दी के भारत में वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए। और भारत के पूरे राजनीतिक डिस्कोर्स में जो दो राजनीतिक विचारधाराओं का संघर्ष है, एक तरफ नफरत की राजनीति है जिसने इस देश को विभाजित किया, और वे लोग जो इस देश को एक धर्म के आधार पर वो राष्ट्र बनाना चाहते तब से लेकर के और अब तक, उनका मंसूबा वही है जो 1947 और 48 में उस समय के आरएसएस के लोगों का, सावरकर का, हिंदू महासभा के लोगों का था। वो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके इस देश में अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं और समूचे भारत में नफरत का कारोबार चलाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस विरासत और जिस परंपरा से आते हैं, वो समावेशी राष्ट्र की विचारधारा है, जिसमें गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह भी हैं, बाबा साहब अंबेडकर हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन में न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि अपने उस पूरे बौद्धिक आयाम को भी दिया, राहुल गांधी वहां से लेकर के बात कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो आईना दिखा रहे हैं, ये मोदी जी को जो उन्होंने बहुत बढ़िया से व्याख्यात किया अमेरिका के अंदर, अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी कैसे राहुल गांधी के इस बिछाई हुई पिच पर खेलेंगे। पहली बात तो मुझे ये लगती है कि क्या नरेंद्र मोदी भी विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बात करेंगे और किस भाषा में बात करेंगे। अब मोदी जी को अगर रंग जमाना है तो फिर वो संस्कृत में आएंगे, कुछ श्लोक विश्लोक पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया कि जितना वो हिंदी बोलते हैं उससे बेहतर वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, और ऐसी अंग्रेजी जो हम भारतीयों को भी, सामान्य जिनकी समझ है वो भी उस चीज को समझ ले रहे हैं। और इतने अच्छे उदाहरण, जिस चीज की कमी आज के 2 साल पहले मैं महसूस करता था, वो उदाहरण और वो कहानियां राहुल गांधी रख रहे हैं, माने जिसको आम आदमी समझ ले कि राहुल की, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स क्यों ऐसी है, क्यों उसके कारण देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कि आप लगातार कभी मुगलों की बात करेंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के कामों की बात करेंगे कि उनसे क्या। अरे साहब, आपको इस देश ने 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, आप तो कुछ कीजिए। 9 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बजाय आप हर बात के लिए, जो राहुल गांधी ने उदाहरण दिया कि हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि जो ट्रैक है वो अंग्रेजों ने बिछाया था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारने के बजाय आप अगर अतीत में जाकर के उसको दोष देने लगेंगे तो उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ये राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं बहुत फिलोसफिकल अंदाज में, मुझे लगता है कि वो नए भारत का एक अक्ष वो स्थापित कर रहे हैं, नए भारत का एक एजेंडा स्थापित कर रहे हैं। वो नया भारत नहीं जो 2014 में बना, जिसमें बहुत लोगों को लगा कि ये आजादी मिली है इस समय, वो भारत जो निरंतर गतिशील है और अपने उस मूल स्वभाव के साथ जिसे समावेशी राष्ट्रवाद कहते हैं, उस नए भारत की संकल्पना के साथ राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, और यही आने वाले समय में इस देश के राजनीति की दिशा होगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अब वो अमेरिका में जाकर के किस टोन में बात करें, किस अंदाज में बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में।
जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर विकांत जी, एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत थोड़ा अतीत में चलूंगा, हालांकि मैं मोदी जी की तरह अतीत जीवी नहीं हूं, जी और मुझे लगता है कि 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के भाषण के बाद जो पूरी दुनिया में लोकप्रियता प्राप्त की थी, राहुल गांधी उस एक तो 130 साल के पहले के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। मेरे इन शब्दों को आप दोबारा कभी सुनिएगा आज के 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, और जो राहुल गांधी ने संबोधित किया है इस पर पर्याप्त चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बुद्ध से होते हुए बसवन्ना से लेकर गुरु गोरखनाथ सॉरी आपके गुरु नानक और वहां से लेकर के गांधी जी, अंबेडकर, इन तमाम नामों को जिस तरह से उद्धृत किया राहुल गांधी ने, बसवन्ना कर्नाटक के ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद की खुलकर आलोचना की, बुद्ध जिन्होंने उस ईश्वरवाद पर और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ पूरा आंदोलन चलाया, गांधी और अंबेडकर ने इस देश से जाति का जो दंश था उसको मिटाने का पूरा आंदोलन चलाया, नेहरू और पटेल जिन्होंने इस देश को नए कलेबर में गढ़ा, तो जिसे हम भारत का अतीत कहते हैं कि जो धीरे धीरे बना है, उस बनते हुए भारत को राहुल गांधी जिस तरह से रेखांकित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो बौद्धिकता है, आप समझिए कितना अध्ययन किया होगा राहुल गांधी। मैं इसलिए फिर कह रहा हूं कि जरा मोदी जी को विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर जरा बुलवा के देख लीजिएगा केवल 10 मिनट, और मुझे वो भी दिन याद आता है जब राहुल गांधी कहते थे चुनौती देते हुए कि मैं आमने सामने खड़े होकर के बहस करने के लिए तैयार हूं कि चाइना में क्या हुआ, नोटबंदी में क्या गलती थी, कोरोना में आपने क्या गलतियां की, और कैसे आर्थिक व्यवस्था बदहाली की तरफ चली गई, मैं नरेंद्र मोदी से आमने सामने बात करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं, और यह भी राहुल गांधी कहते थे कि उनकी हिम्मत नहीं है बात करने की, तब शायद हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहे, और इस देश के बहुत सारे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। आज समझ में आ रहा होगा कि ये अमेरिका से निकलने वाला दूसरा स्वामी विवेकानंद राजनीति का, और एक सवाल जो पूछा गया था मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, विश्व गुरु क्या है, विश्व गुरु के जिसमें प्रधानमंत्री दिन में 4 बार कम से कम कपड़े बदलता, जो सोने के जड़े हुए वस्त्र का सूट पहनता हो, 8000 करोड़ का तो उनका हवाई जहाज है, 20000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाया है, 8 करोड़ की एक गाड़ी जिसमें वो चलते हैं, और काफले में 7-8 गाड़ियां होती हैं, और हालात क्या है, एक कहानी छोटी सी मैं और छोटा करके सुना रहा हूं, एक ढपोर शंख की कहानी है जो एक आदमी को मिला और उसने कहा कि जो मांगोगे उससे 2 गुना दूंगा, तो वो आदमी मांगता था कि हमको 10000 रुपया दे दो, वो बोलता था कि 20000 लो, उसने कहा कि हमको 5 किलो सोना दे दो, उसने कहा कि 10 किलो लो, अब वो इंतजार कर रहा है कि साहब मिलेगा, तो उसने पूछा कि दे क्यों नहीं रहे हो, तब शंख ने कहा कि अहम ढपोर शंखम ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलता हूं देता नहीं हूं, तो ये ढपोर शंख वाला विश्व गुरु है जो देता कुछ नहीं है सिर्फ बोलता है, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, काला धन वापस आएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, दैट इज विश्व गुरु और ढपोर शंख भारत ये बना दिया है। और मैं फिर से राहुल गांधी पर आऊंगा कि समूचे मिथक को राहुल गांधी ब्रेक कर रहे हैं, ध्वस्त कर दिया है इस माया जाल को जो बनाई गई थी इन 8-10 सालों में उस पूरे कारपोरेट मीडिया के जरिए, तो जो सोने का हिरन बनाया गया था वो अब पर्दाफाश उसका हो गया है, और एक नए सूरज का उदर
उदय आप देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से, यहां हम लोग शाम की तरफ है, वहां उजाला हो रहा होगा। अब ये उजाला लेकर के राहुल गांधी जब भारत में आएंगे और फिर जब जाएंगे वो विश्व गुरु भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनका क्या होगा, कैसे वो जवाब देंगे, उनकी हिम्मत है क्या जय भीम कहने की, कह पाएंगे क्या वो? और ये वो मुझे याद आता है नेहरू जी और अंबेडकर साहब का जोड़ी। नेहरू जी जब परिचय कराते थे अंबेडकर का किसी भी विदेशी डेलीगेट से तो कहते थे कि ये हमारे कैबिनेट के डायमंड हैं। वो उनकी काबिलियत को जानते थे, उन्होंने सम्मान दिया उतना, गांधी ने उतना सम्मान दिया। बीच में लोगों ने बहुत जो भ्रम फैलाया दलितों के बीच में भी खास करके कि साहब अंबेडकर का वो सम्मान नहीं हुआ। तो राहुल गांधी अगर अमेरिका में जय भीम का नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उसका संदेश लेकर के अमेरिका भी आया हूं, वही संदेश लेकर के विवेकानंद गए थे और उसके बाद पूरे दुनिया में उनकी मकबूलियत हुई थी, वही राहुल गांधी अब भारत में उस अमेरिका के पूरे प्रसिद्धि को लेकर के जब आएंगे तो फिर कोई पैमाना निकालिएगा जिसमें लोकप्रियता देखी जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का आवाम अब बहुत भरोसे के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और आने वाले वक्त का वही राजनीति का विवेकानंद साबित हो। जी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितनी चुनौती अब राहुल गांधी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधान